हेलो दोस्तों, देखिए आज हम ये थाल पोस का डिजाइन लेके आए हैं। डिजाइन कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। देखिए हमने ये 3 रंगों में बनाया हुआ है और इसे बनाने के लिए देखिए हमने 4 नंबर क्रोशिया और 4 प्लाई उलन है जिससे हमने बनाया हुआ है। तो डिजाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा। इसे बनाने में हमारा 100 ग्राम से ऊपर उलन लगा है, यानी 100 ग्राम से ऊपर उलन लगा हुआ है। तो डिजाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। तो चलिए बना लेते हैं। तो बनाने के लिए पहले हम ऐसे नॉट लगा लेंगे। नॉट लगा के 1 2 3 4 5 6 7 7 चिन्ह करेंगे। फर्स्ट उनमें लेके हम ज्वाइंट करेंगे। 1 2 3 4, यहाँ पर हम 4 चेन कर लेंगे डबल फंदे और इसमें हम ट्रिबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 टाइम क्रोशिया चलाएंगे डबल फंदे, फिर से 1 2 3 ट्रिबल क्रोशिया, फिर डबल फंदे 1 2 3 ट्रिबल क्रोशिया, ऐसे फिर डबल फंदे, फिर से हम ट्रिबल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे। तो ऐसे बनाते हुए पूरे राउंड में कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने पूरा इसमें 24 ट्रिबल क्रोशिया बना लिया, यानी 24 ट्रिबल क्रोशिया बना लिया है। फर्स्ट उनमें लेके हम ज्वाइंट कर लेंगे यहाँ पर और उसके बाद यहीं पे हम फिर 1 2 3 4, फिर से 4 चेन करेंगे डबल फंदे। सेम जगह पे ही एक और डबल ट्रिबल क्रोशिया हम बना लेंगे। देखिए 1 चेन और एक, ये 2 हो गया, फिर डबल फंदे, फिर नेक्स्ट जगह 1 2 3, ऐसे एक हुआ और एक और बना लेंगे सेम जगह पे ही। देखिए फिर 2 हो गया, फिर डबल फंदे, फिर नेक्स्ट जगह पे, यहाँ पर भी हम एक पास 2 ट्रिबल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे। देखिए फिर डबल फंदे, फिर नेक्स्ट जगह पे एक पास 2 ट्रिबल क्रोशिया। देखिए तो ऐसे ही 2 2 ट्रिबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड में हम कंप्लीट करेंगे। हर एक में बनाएंगे जितना 24 है, पूरे जगह पे हम 2 2 बना लेंगे। तो कंप्लीट करते हैं। तो देखिए फिर पूरे के ऊपर हमने 2 2 बना लिया, यानी 24 के ऊपर हमने ऐसे 2 2 बना लिया है पूरा। अब उसके बाद से फिर फर्स्ट वन में लेके हम ज्वाइंट करेंगे। अब फिर यहाँ पर 1 2 3 4, फिर से 4 चेन करेंगे डबल फंदे, फिर सेम जगह पे ही एक और डबल क्रोशिया ट्रिबल क्रोशिया हम बना लेंगे ऐसे। देखिए फिर डबल फंदे लेंगे, यहाँ पर हम 2 बना लिए हैं, उसके नेक्स्ट में अब हम यहाँ पर 1 बनाएंगे, 1 ट्रिबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए फिर डबल फंदे, फिर उसके नेक्स्ट में हम 2 बनाएंगे ट्रिबल क्रोशिया एक पास ऐसे, 1 और 1 बना लेंगे सेम जगह पे 2। देखिए फिर फंदे लेंगे डबल, फिर नेक्स्ट में हम 1 बनाएंगे, 1 बनाएंगे यहाँ पर ट्रिबल क्रोशिया, फिर डबल फंदे, फिर नेक्स्ट में 2 ट्रिबल क्रोशिया 1 पास बनाएंगे हम ऐसे। देखिए ऐसे फिर डबल फंदे, फिर 1 ट्रिबल क्रोशिया, फिर डबल फंदे, फिर यहाँ पर 2 ट्रिबल क्रोशिया, फिर 1, फिर 2, ऐसे ही बनाना है पूरे राउंड में हम बना के कंप्लीट करते हैं फिर। तो देखिए हमने ये बनाते हुए कंप्लीट किया, 1 2 1 2 हमने बनाया, देखिए 2 1 2 1, ऐसे पूरे हम बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। फिर फर्स्ट उनमें लिए कि हम ज्वाइंट करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 चेन कर लेंगे, 3 चेन डबल क्रोशिया के लिए, 2 चेन एक्स्ट्रा फंदे लेंगे। अब यहाँ बना लिए, फिर इसके नेक्स्ट में नहीं बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में बनाएंगे, एक स्किप करेंगे यहाँ पर। देखिए फिर 2 चेन, फिर फंदे लेंगे, फिर यहाँ स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट में बनाएंगे, एक छोड़ के एक जगह बनाएंगे हम। देखिए फिर 2 चेन, फिर यहाँ छोड़ देंगे, उसके बाद बनाएंगे यहाँ पर, फिर 2 चेन, फिर यहाँ नहीं बनाएंगे, फिर इसके बाद बनाएंगे यहाँ पर। देखिए फिर 2 चेन, फिर यहाँ नहीं बनाएंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे, एक जगह बनाएंगे, एक जगह नहीं बनाएंगे, और एक से दूसरे जाने में 2 चेन करेंगे। देखिए
यहाँ पर बनाए, फिर उसके नेक्स्ट में नहीं बनाए, फिर उसके नेक्स्ट में बनाए, ऐसे बनाए हैं। तो ऐसे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने पूरे में ऐसे बना कंप्लीट किया, एक जगह बनाए हैं, एक जगह नहीं बनाए हैं, यानी दो दो ऐसे त्रिबुल क्रोशिया के बगल में बनाए हैं। देखिए ऐसे बना के हमने कंप्लीट किया। फिर फर्स्ट उन में हम एक दो तीन तीसरे वाले प्ले के ऐसे ज्वाइंट कर देंगे और उसके बाद इसे हम बांध के कट करके निकाल लेंगे। इसे बैक साइड हम लगा लेंगे। तो देखिए अब इसके बाद से हम दूसरा ऊन लगाएंगे इसमें। तो फिर से हम ऐसे नॉट लगा के और जो ये है चेन वाला इसमें ऐसे बांध लेंगे। फिर एक दो तीन चार, फोर चेन, डबल फंदे, त्रिबुल क्रोशिया फिर बनाएंगे, एक दो तीन। फिर एक दो फंदे लेंगे ऐसे डबल फंदे और फिर एक दो तीन, थ्री चेन, ऐसे थ्री टाइम क्रोशिया चलाएंगे, त्रिबुल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन कर लेंगे, यहाँ पर पांच चेन करेंगे, फिर डबल फंदे, फिर सेम जगह पे ही फिर से बनाएंगे हम, एक दो तीन, थ्री टाइम क्रोशिया चलाएंगे, ट्रिपल क्रोशिया होगा। फंदे लेके ऐसे देखिए एक एक दो हो गया तीन, फिर से तीन ट्रिपल क्रोशिया हम बना लेंगे ऐसे। अब उसके बाद फिर यहाँ पर एक दो, दो चेन करेंगे, दो चेन करने के बाद से फिर डबल फंदे लेंगे। अब यहाँ बना लिए, उसके बाद से हम एक दो तीन, तीन ये छोड़ेंगे, इसके बाद वाले यहाँ पर बनाएंगे। देखिए फिर से यानी एक जगह बना रहे हैं, फिर एक दो, दो जगह हम नहीं बनाएंगे, यहाँ तीसरे जगह पर फिर बनाएंगे डबल फंदे, फिर से ऐसे त्रिबुल क्रोशिया। देखिए फिर तीन बना लिए त्रिबुल क्रोशिया, फिर एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन, डबल फंदे, फिर सेम चीज़ें हमें बनाना है यहाँ पर, फिर से हम तीन त्रिबुल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए फिर से तीन त्रिबुल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक दो, दो चेन, एक से दूसरे जाने में हमें दो चेन करना है। फंदे लेंगे, फिर यहाँ, यहाँ नहीं बनाएंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे, तीसरे जगह पर बनाएंगे। देखिए दो जगह छोड़ के तीसरे जगह पर बनाएंगे, टू जगह स्किप करेंगे, तीसरे वाले पे, थर्ड वाले पे बनाएंगे ऐसे। फिर थ्री बना लेंगे, फिर फाइव चेन और फिर थ्री बनाएंगे, फिर टू चेन करके नेक्स्ट में बनाएंगे ऐसे। तो यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ, यहाँ नहीं बनाएंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे, फिर दो जगह छोड़ेंगे, फिर तीसरे जगह पर बनाएंगे। तो ऐसे बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये बनाते हुए पूरा कंप्लीट किया। फिर पहले वाले में यहाँ पर लेके हम ज्वाइंट करेंगे, टू चेन कर लिए हैं फर्स्ट वन में, लेके हम ज्वाइंट करेंगे यहाँ पर और इसे बांध के हम कट कर लेंगे, फिर इसे बैक साइड हम लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ से फिर दूसरा कलर लेंगे और जो ये फाइव चेन के बनाए हैं इसमें बनाना है हमें ऐसे बांध के, एक दो तीन, थ्री चेन करेंगे, थ्री चेन करने के बाद से फंदे लेंगे और यहाँ पर अब डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। देखिए तो एक चेन एक, ये दो हो गया, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, इसमें हम 12 डबल क्रोशिया बना लिए, पूरा 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। उसके बाद से एक से दूसरे जाने में जो दो चेन बनाए हैं इसमें ऐसे डायरेक्ट हम ज्वाइंट करेंगे। देखिए ऐसे
फिर फंदे लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। तो इसमें भी हम 12 बना लेंगे लाइन से। एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह एंड 12। 12 हम फिर से बना लिए डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में ये 2 चेन है, इसमें डायरेक्ट ऐसे ज्वाइंट करेंगे, फिर फंदे लेंगे, फिर इसमें 12 बनाएंगे। तो पूरे में 12 हम बना के कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो देखिए हमने पूरे में ऐसे 12 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा कंप्लीट किया, और फर्स्ट वन में लेके हम ज्वाइंट करके कट कर लिए हैं पूरा। इसमें हमारा ये जो ये फ्लावर बना है पूरा ये 12 बना है, यानी 12 बना है ये। अब इसमें बनाएंगे और ज्वाइंट करेंगे हम। बना के ज्वाइंट करने के लिए देखिए हम बनाएंगे, तो हमने ये 2 में ऐसे बनाया हुआ है। फिर इसमें पहले हम 6 बना लेंगे लाइन से ऐसे, 1 2 3 4 5 6 6 ऐसे बना लेंगे। पहले देखिए 6 बना लिए। अब इसमें हम कोई भी फ्लावर में ऐसे लेके ऐसे पहले इसमें 1 2 3 4 5 6 छोड़ के ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे डायरेक्ट ऐसे, फिर फंदे लेंगे, फिर 6 और बना लेंगे डबल क्रोशिया हम। 1 2 3 4 5 6 फिर से हम 6 इसमें बना लेंगे। देखिए 6 बना के ज्वाइंट किए, फिर 6 बना लिए। अब फिर डायरेक्ट ये बीच में हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे, देखिए ऐसे, फिर फंदे लेके फिर इसमें पहले 6 बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 फिर से हम 6 ऐसे बना लेंगे। और फिर ये वाला है, इसमें भी 6 छोड़ के ऐसे ज्वाइंट करना है हमें, जो ज्वाइंट किए हैं उसके नेक्स्ट वाले में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 छोड़ के यहाँ पर हम डायरेक्ट ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, फंदे लेंगे, फिर 6 डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 डायरेक्ट हम फिर ऐसे बना लेंगे। फिर यहाँ पर नीचे ऐसे ज्वाइंट करेंगे डायरेक्ट, फिर फंदे लेंगे, फिर इसमें हम लाइन से 12 बनाएंगे। जैसे बनाए हैं ये सब ऐसे, फिर अब यहाँ से बनाते हुए हम पूरे राउंड में कंप्लीट कर ले रहे बना के। तो देखिए हमने 2 जगह ज्वाइंट किया, उसके बाद से फिर ये राउंड में कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसके बाद से फिर इस साइड ज्वाइंट करेंगे हम। तो अब इधर ज्वाइंट करने के लिए हम ये 2 जगह पहले ज्वाइंट कर लेंगे। तो हमने ये 6 बना लिया है डबल क्रोशिया, अब इसे हम इसमें ज्वाइंट करेंगे। तो इसमें ऐसे लेके फिर से 1 2 3 4 5 6 काउंट करके ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे फर्स्ट, और फिर से हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया फिर से बना लिए। फिर यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट ज्वाइंट करेंगे, और फिर इसमें हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 फिर से 6 डबल क्रोशिया हम बना लिए, 6 डबल क्रोशिया बना के अब इसमें ज्वाइंट किए हैं। फिर यहाँ पर अब ज्वाइंट करेंगे, तो ऐसे लेके इसे फिर से हम 1 2 3 4 5 6 काउंट करके मिडिल में हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे,
फंदे लेंगे, फिर 6 डबल क्रोशिया यानी 6 डबल क्रोशिया फिर बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर से हम 6 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर यहाँ पर डायरेक्ट चैन करेंगे, फिर फंदे लेंगे, फिर से इसमें हम पहले 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ऐसे यहाँ जॉइंट हो गया। अब यहाँ पर 1 बना लिए हमने, 2 3 4 5 6, 6 डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे फिर से। अब इधर हम जॉइंट कर लिए, अब इस साइड ये दोनों है इसमें जॉइंट करेंगे। तो ऐसे लेके अब यहाँ पर ये जॉइंट वाले के बगल वाले में हमें इधर से 1 2 3 4 5 6 काउंट करके मिडिल में हमें ऐसे जॉइंट कर लेना है। फंदे लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 6 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ नीचे ऐसे जॉइंट कर लेंगे, फंदे लेंगे, फिर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 डबल क्रोशिया, देखिए यहाँ जॉइंट हुआ। अब इसमें जॉइंट करेंगे हम, लेके फिर से 1 2 3 4 5 6 काउंट करके फिर यहाँ पर हम जॉइंट कर लेंगे। फंदे लेके फिर से हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 3 4 5 6, फिर 6 बना के और फिर ये दो चेने वाले में ऐसे डायरेक्ट जॉइंट करेंगे, फंदे लेंगे, फिर इसमें 12 डबल क्रोशिया, फिर इसमें जॉइंट करेंगे, फिर बनाएंगे सेम जैसा हमने ये बनाया है, बना कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ऐसे 3 जॉइंट कर लिया, सेम ऐसे ही फिर से जॉइंट होगा। तो ऐसे फिर बनाएंगे तो यहाँ दोनों में जॉइंट करेंगे और फिर इस साइड दोनों में जॉइंट करेंगे, ऐसे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, फिर दो में जॉइंट करेंगे, फिर दूसरे साइड दो में जॉइंट करेंगे। जैसे हमने ये जॉइंट किया ऐसे दो जगह जॉइंट किए, फिर इधर दो जगह जॉइंट किए इस साइड का, तो सेम ऐसे ही अब जॉइंट होते हुए इधर तक बना लेते हैं, फिर और दिखा रहे हैं हम। देखिए हमने ऐसे जॉइंट किया बीच में एक और 5 इसके राउंड में और जॉइंट किए हैं, एक और यहाँ पर जॉइंट होगा तो हम जॉइंट करते हैं। तो यहाँ जॉइंट करने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 इधर का और 2 ये मिडिल का और 2 इस साइड का, ऐसे जॉइंट होगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमने ये बनाया है और ये 6 हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसमें हम 6 काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 काउंट करके ऐसे जॉइंट करेंगे और फंदे लेके फिर 6 ऐसे बना लेंगे हम, 2 3 4 5 6, 6 फिर हमने डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिया, फिर यहाँ जॉइंट करेंगे और फिर फंदे लेके पहले 6 बनाएंगे, फिर हम इसमें जॉइंट करेंगे, फिर इधर से इधर जॉइंट करेंगे 2 में और फिर ये 2 इधर जॉइंट कर लेंगे। तो हम पूरा इसे कंप्लीट करते हैं। हमने पूरा ऐसे टिक्की जॉइंट कर लिया। अब इसके बाद से हम यहाँ साइड में बनाएंगे। देखिए हमें ये जॉइंट किए हैं यहाँ पर लास्ट में जो ये कॉर्नर कॉर्नर है यहाँ पर बनाना है और मिडिल में जो है यहाँ पर भी बनाएंगे हम। तो पहले यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ बनाने के लिए ही हम सेम कलर ही धागा ले रहे हैं यहाँ पर और ये जॉइंट किए हैं जो इसके बीच में ऐसे क्रोशे लेके ऐसे जॉइंट करेंगे और यहाँ पर 1 2 3 4 4 चेन करेंगे और ये वाला है जो इसमें हमें जॉइंट करना है। तो ऐसे ही से बैक साइड से ऐसे पकड़ेंगे, फिर 1 2 3 4 5 ये 5 है, 5वें पर ऐसे ले जाके ऐसे जॉइंट कर लेंगे। देखिए ऐसे जॉइंट किए हमने, फिर यहाँ पर 1 2
दो चेन कर लेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे, और इसमें हम एक दो तीन चार, देखिए फिर एक दो, दो चेन, फिर तीन फंदे ही लेंगे और फिर से यहाँ पर हम बनाएंगे सेम चीज़ें, एक दो तीन चार, फोर टाइम क्रोशिया हमें चलाना है, फिर एक दो, फिर तीन फंदे सेम जगह पे फिर से बनाएंगे हम, एक दो तीन चार, देखिए फोर हमने बना लिया, और जैसे यहाँ पर जॉइंट है सेम ऐसे ही इधर भी जॉइंट करेंगे, तो एक दो तीन चार पाँच, ये फाइव पे ऐसे लेके जॉइंट करेंगे, बांध लेंगे और इसे हम कट करके निकाल लेंगे। हमने इसमें फोर बनाया है, आप लोगों को कम लगे तो फाइव ही बना सकते हैं ऐसे फोर्थ क्रोशिया वाला, और इसे हम बैक साइड ऐसे लगा लेंगे। तो देखिए इसके बराबर आ गया ऐसे। अब हम यहाँ पर बना लेते हैं, तो यहाँ पर बनाने के लिए देखिए हम नॉट लगा लिए हैं, फिर इसमें हम एक दो तीन चार, फोर चेन करेंगे, और ये पहला है इसमें हम लेके ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, देखिए फिर यहाँ पर एक दो तीन, थ्री चेन, और हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो है इसमें ऐसे लेके, देखिए नीचे से ऐसे क्रोशिया लगा के, और इसे हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, फिर यहाँ पर एक दो तीन, थ्री चेन, और इसमें हम ऐसे जो राउंड किए हैं इसमें ऐसे जॉइंट कर लेंगे, देखिए फिर एक दो तीन, थ्री चेन, अब यहाँ पर हम जॉइंट कर लिए, अब उसके बाद से हम यहाँ पर, ये डाउन वाला जगह है यहाँ पर, तो इसमें ऐसे क्रोशिया से नीचे से लगा के और इसमें ऐसे बांध लेंगे, देखिए फिर एक दो तीन, थ्री चेन करके हमें उधर जॉइंट करना है, फिर थ्री चेन करके इसमें हमें ऐसे जॉइंट कर लेना है, फिर एक दो तीन, फिर ये वाला है देखिए इधर साइड, इसमें ऐसे, फिर एक दो तीन, फिर बीच में, फिर एक दो तीन, फिर थ्री चेन करके यहाँ, और फिर बनाएंगे थ्री चेन करके इसमें ज्वाइंट करेंगे, फिर थ्री चेन करके यहाँ, और फिर यहाँ, तो हमारे बना ले रहे हैं। तो देखिए हमने पूरे में ऐसे बना लिया, पूरा हमें ऐसे सिक्स जगह बनाना था, देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, ये छः यहाँ पर बना रहे हैं, ये छठा जगह है, पूरा सिक्स जगह हमें बनाना था। तो हमने ऐसे थ्री चेन कर लिया, और फिर हम इसमें बीच में ऐसे ज्वाइंट करेंगे, बीच में ज्वाइंट करने के बाद जो पहला वाला जो बनाना स्टार्ट किए थे उसमें भी लेके ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, और उसके बाद इसे बांध के कट करके निकाल लेंगे हम। तो देखिए ये हमने बीच में बनाया, और ये साइड का, ऐसे ही पूरे पे हम बना लेते हैं और फिर आगे दिखा रहे हैं। कि हमने पूरे में ऐसे बना कंप्लीट किया, अब इसके बाद इसको हम साइड से झालर बनाएंगे, तो इसके लिए कहीं से भी बनाना स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करें, इसके मिडिल में सिक्स छोड़ के मिडिल में ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, और उसके बाद से हम एक दो तीन चार पाँच छः सात, सेवन चेन कर लेंगे, ऐसे फंदे लेंगे हम, फंदे लेके, और यहाँ नीचे जो ज्वाइंट किए हैं इसमें ऐसे एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे ऐसे, देखिए फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर सेवन चेन, और फिर इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सिक्स ऐसे छोड़ के ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, देखिए फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, सेवन चेन, फिर सेवन चेन करके, और ये जो बनाए हैं इसमें एक दो तीन है, ये बीच वाले में ऐसे
हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे फिर से ऐसे, देखिए फिर 1 2 3 4 5 6 7 सेवन चेन। फिर यहाँ पर यहाँ मिडिल में हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, देखिए इसमें ऐसे ज्वाइंट करना है, जो डाउन वाला जगह है उसमें हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 सेवन चेन फंदे लेंगे, और फिर ये डाउन वाला जगह है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, देखिए फिर 1 2 3 4 5 6 7 सेवन चेन, और इसके मिडिल में अब ज्वाइंट करना है तो डायरेक्ट हम ऐसे ज्वाइंट कर देंगे, फिर सेवन चेन करेंगे, इसमें हम डबल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे, तो देखिए ऐसे ही बनेगा, बना कंप्लीट करते हैं। देखिए हमने ये बना के कंप्लीट किया पूरा, अब यहाँ पर हमने फिर सेवन चेन कर लिया है, जो फर्स्ट बनाए हैं वहाँ पे लेके हम इसमें ज्वाइंट करेंगे ऐसे, और जो फर्स्ट चेन बनाए हैं उसमें हम फ्लैट स्टिच से ऐसे मिडिल में आ जाएंगे ऐसे, देखिए यहाँ मिडिल में आने के बाद से हम 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7 सेवन चेन कर लेंगे, फिर से ढाई को खींचेंगे, और इसमें हम पॉप वाला फ्लावर बना रहे हैं, आप लोगों को चाहिए तो झालर लगा सकते हैं कोई भी कलर ऐसे मिक्स करके, या तो तीनों कलर मिक्स करके लगा सकते हैं, 1 1 2 3 4 5 इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे, बांध लेंगे चेन को क्रोशिया पर लेके ऐसे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 सेवन चेन, और नेक्स्ट वाला ये है, इसमें हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे, देखिए फिर 1 2 3 4 5 6 7 सेवन चेन ढाई को खींच के, और फिर से सेम चीज़ें 1 1 2 3 4 5 ऐसे सेम जगह से ऐसे निकालना है, बनाना है, फिर इसके नीचे से ऐसे ढाई निकाल के बांध लेंगे चेन को ऐसे क्रोशे पर रख के, फिर 1 2 3 4 5 6 7 सेवन चेन, और फिर नेक्स्ट वाला चेन है इसमें ज्वाइंट करेंगे, फिर सेवन चेन करेंगे, और फिर ऐसा बनाएंगे, तो हम ऐसे ही बनाते हुए पूरा कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो देखिए हमने ये बना कंप्लीट कर लिया, डिजाइन कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, डिजाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, थैंक यू।